गांधी जिंदाबाद, 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 गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉपी दी गई है, दो पोस्टमार्टम किए गए थे, दोनों पोस्टमार्टम अलग भिन्न हैं जी। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि कौन सा क्या है। सबसे पहले दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ के कुछ पुलिस के जो कर्मी हैं वो भी इन्वॉल्व थे इस मामले में। वो कह रहे हैं कि सबको मालूम था कि इनकी लड़की वहाँ पे बंद रही थी इतने दिनों के लिए, मालूम था लोगों को, लेकिन मदद नहीं की गई। वो कह रहे हैं कि उनको पैसे वैसे किसी से नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए जी, और किसी भी हद तक जाएंगे न्याय के लिए। प्रियंका जी अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे जी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो रुकेंगे। देखिए जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, जो जैसे इस तरह के कांड जो हो रहे हैं और इस तरह का अत्याचार जो हो रहा है, उसमें ज्यादातर ये दिख रहा है कि पुलिस और प्रशासन जो अपराधी है उसके पक्ष में काम करती है। प्रियंका जी कांग्रेस पर क्योंकि सुनिए, क्योंकि जो अपराधी है ज्यादातर वो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसकी सत्ता होती है, या वो बड़ा अमीर होता है, या कोई प्रधान कैस से जुड़ा होता है, किसी ना किसी तरह से सत्ता से जुड़ा होता है। तो उसको प्रशासन और पुलिस की मदद होती है। अब सरकार का काम है कि पीड़िता को मदद करे, पीड़िता के परिवार पर उल्टा आरोप डाले जाते हैं, पीड़िता पे आरोप डाले जाते हैं, गलत बात है। किसी कारणवश नहीं आ पाए, इनके पास टाइम थोड़ा कम रहा होगा, कहीं और भी जाना है, हेलीकॉप्टर का पायलट का टाइम हो गया था, इसलिए उनको जाना पड़ा। प्रशासन द्वारा लगातार आप द्वारा मांग की जा रही थी, उसके बाद भी जो है किसी भी तरीके की मदद नहीं की गई, क्या इस पक्ष को भी रखा गया है? मदद यही हमें चाहिए, और हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, न किसी चीज की चाहिए, बस हमें लड़की को न्याय मिलना चाहिए, और हमें किसी चीज का जिनका जिनके ऊपर आरोप था वो सपा के नेता थे, सरकार भाजपा की है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कोई भी नेता हो, कोई भी अध्यक्ष बने, चाहे कुछ बने, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो हमें न्याय दिलाएगा वही हमारे लिए भगवान है। अच्छा ये बताइए, अपनी तरफ से प्रियंका जी ने आपको क्या कहा है? हमसे यही कहा गया है कि आप परेशान ना हो, आपको पूरा लड़की के साथ में हुआ तो गलत हुआ, न्याय मिलेगा, हम न्याय दिला के ही रहेंगे। अच्छा मदद के लिए भी कुछ कहा है आपने? हम झूठ क्यों बोले? मदद के लिए यही सबसे बड़ी मेरी मदद है, जो हमें न्याय दिला दे, इससे ज्यादा क्या मदद है? आप एक कमरे की कॉलोनी में रहती हैं, तो क्या अपेक्षा है आपकी? अब पहले हमें न्याय मिले, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। पहले न्याय तो हमें मिले लड़की का, रहे तो हम एक सड़क पे भी ही लेंगे, लेकिन न्याय पहले हमें चाहिए।